नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है, तो वहीं वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमारे खास शो में आप सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो हरियाणा सरकार भी अलर्ट पर है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी लगातार रखी जा रही है। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती की जा रही है ताकि डॉक्टर्स की कोई कमी ना हो। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, ऑक्सीजन की दिक्कत लोगों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए भी कोशिश की गई है। और वहीं दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सरकार की तरफ से लोगों को किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने दिनचर्या में लेकर आएं। कोविड देखभाल केंद्रों की में बढ़ोतरी की गई है ताकि लोगों को कोविड से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो देखभाल केंद्र में जा सकते हैं। कोविड संक्रमण आकलन के लिए एक सर्वे भी तैयार किया गया है ताकि एक्चुअल जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसका पता लगाया जा सके। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं भी शुरू की गई हैं। टेली मेडिसिन की शुरुआत की गई है ताकि लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल रहें। हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जाँच योजना की भी शुरुआत की गई है। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा और उपचार मुहैया करवाया जाएगा। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की भी स्थापना की गई। तो दूसरी लहर को किस तरह से हराया, क्या जरूरी कदम उठाए गए, उस पर एक नजर हम डाल रहे हैं। टीकाकरण अभियान पर जोर दिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके उसके लेकर भी कोशिश की गई सरकार की तरफ से। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज्यादा कोविड बेड अवेलेबल करवाए गए। दूसरी लहर का जो खतरा था वो बहुत बड़ा था और उसको किस तरह से हराया गया, क्या जरूरी कदम उठाए गए, क्योंकि मामले बहुत तेजी के साथ बढ़े, मौतों का आंकड़ा बढ़ा और हर राज्य के लिए, तमाम सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती आ गई कि कैसे इन हालातों से उभरा जाए, कैसे इन परिस्थितियों को दुरुस्त किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर कैसे अब आगे सरकार की तरफ से दूसरी लहर को हराने में कारगर कदम उठाए गए, और ये जो कदम हैं जाहिर तौर पर ये तीसरी लहर के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका अनुमान जताई जा रही है और ऐसे में जो दूसरी लहर में कोशिशें की गई सरकार की तरफ से वो तीसरी लहर के खतरे को भी कहीं ना कहीं कम करेंगी। आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर सर्वे किया, बहुत बड़ी भूमिका आशा वर्कर्स की रही दूसरी लहर के दौरान। जब तमाम लोग अपने घरों में कैद थे तो ऐसे में जो फ्रंट वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जो पुलिसकर्मी थे, तमाम लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। 13 मिलियन लोगों की जांच की गई। और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल हेलो डॉक्टर में जुड़ता है। डॉक्टर नरेश शर्मा पूर्व उपाध्यक्ष हैं IIMA हरियाणा के, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश शर्मा। डॉक्टर ईशा मदन जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नरेश शर्मा आपका मैं रुख करना चाहूँगी। देखिए अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, हालांकि आंकड़े बहुत कम हैं लेकिन फिर भी खतरा आगे आने वाले समय में बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा कि लोगों की जरा सी लापरवाही के कारण हालात बद से बदतर हो गए। ऐसी स्थिति हरियाणा में ना हो, इसके लिए आप हरियाणा को इस वक्त तैयारियों को कैसे देख रहे हैं?
डॉक्टर नरेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हल्का आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। डॉक्टर ईशा मदन, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस, आई कैन हियर यू। डॉक्टर ईशा, आप लोगों की जो भूमिका रही है कोरोना काल में वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, उसको लेकर बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अभी भी ये खतरा बड़ा है। जैसा कि पहले भी मैंने कहा, आप कैसे लोगों को एड्रेस करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? चूँकि अभी जो है मामले कम है, लेकिन फिर भी सेहत पर ध्यान देने की और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है सिंस सेकेंड वेव के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा सावधान हो चुके हैं और लोगों को समझ आ चुका है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब हमारी कंट्री के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि आप लोग जब तक ज़रूरी है घर से बाहर ना निकले, घर पर रहिए। बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए आप अपने साथ मास्क कैरी कीजिए और सैनिटाइजर का आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास हाथ धोने की सुविधा नहीं है तो। अदरवाइज आप प्रेफर कीजिए कि आप समय समय पर हाथ धोएं और अपने हैंड से आप अपने आईज को, अपने फेस को टच ना कीजिए, जो कि आई गेस आज की डेट में ऑलमोस्ट ये प्रिकॉशन सारे इंडियंस को पता है पर कम ही लोग उसको फॉलो कर पाते हैं। आई थिंक अगर आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छे अमाउंट में लोग जो है वो आपकी आने वाली। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लोगों को बहुत सजग सचेत रहने की जरूरत है। डॉक्टर नरेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? डॉक्टर नरेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सोनल जी, आवाज आ रही है। डॉक्टर नरेश, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर ईशा ने भी यहाँ पर कहा कि लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी लोग उतना सजग नज़र नहीं आ रहे हैं जितना उनको अवेयर होना चाहिए। क्योंकि अभी लग रहा है कि आंकड़े कम हो गए तो फिर कोरोना का खतरा कम हो गया, लेकिन ये जो लापरवाही है, कई ऐसे राज्य हैं जो ज़रा सी लापरवाही के कारण बुरे तरीके से चपेट में आए। आप हरियाणा की परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? लोग चूँकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है? देखिए सोनल जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोविड जो 19 है ये एक वायरल डिजीज है और हमें इसको बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए। मैं इसको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा, डेंगू भी एक वायरल डिजीज है और अगर आपको ध्यान हो आज से 12-13 साल पहले जब ये दिल्ली NCR में फर्स्ट टाइम आया था तो डेंगू के कंट्रोल के लिए तो हमें ये मालूम था कि एक मॉस्किटो से बाइट होने से ये फैलता है। जब उसको हम आज तक नहीं कंट्रोल कर पाए तो ये कोविड 19 का वायरस तो हमें विजिबल भी नहीं है, तो लोगों को इसके प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, नंबर कम होने से समस्या खत्म नहीं हुई है, अभी भी ये एंडेमिक स्टेज में कई स्टेट में मौजूद है। बात आपने हरियाणा की तो उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा सोनल जी, ठीक है, उससे पहले फतेहाबाद से एक दर्शक हमारे साथ प्रेम जुड़ गए हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। प्रेम जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम। प्रेम जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैम, ये सवाल आपसे है जी। जी, ये जो ये स्कूल वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ये क्या नाम जोन से जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको टेप मिलने की आदेश दिए गए हैं स्कूल के बच्चों को? ये अलग विषय है। आपका कोरोना से जुड़ा कोई सवाल है, आपके घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी डॉक्टर से संबंधित है तो वो आप जरूर हमसे शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, हरियाणा की स्थिति पर आप बात कर रहे थे। सोनल जी, मैं अपनी बात हरियाणा के संदर्भ में दो हिस्सों में बताना चाहूंगा। पहली चीज, अच्छी बातें जो है, अच्छी बात ये है कि हरियाणा में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से हुई है और यहाँ पे फर्स्ट डोज की बात करें तो करीब करीब यहाँ पे 60-70% लोग फर्स्ट डोज में लगवा चुके हैं और सेकेंड डोज भी अगर हम बात करें तो 50% से ऊपर लोगों को लग चुकी है जी। बात चुनौती की जो आती है वो ये है कि कुछ पॉकेट्स हमारे स्टेट में अभी भी ऐसी है जहाँ पे वैक्सीनेशन के प्रति अभी भी उदासीनता बची है। तो एक तो ये विषय है कि इस चैलेंज को हमें इसको डिफीट करना पड़ेगा
कि कुछ जगह पे जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वहां पे होना चाहिए जी। दूसरी बात आती है कि क्योंकि हरियाणा और कुछ इसके हिस्से जैसे अगर हम गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ की बात करें तो वो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, और क्योंकि ये डिजीज मान के चलो कि हमारे कंट्री के किसी भी हिस्से में अगर है अभी, और ट्रेवल से, एयर ट्रेवल से जब कोई भी जैसे पैसेंजर यहाँ पे आता है और वो कॉन्टैक्ट में यहाँ आसपास जब रहता है तो उससे कभी भी नेबरिंग हमारे इन सब डिस्ट्रिक्ट में इसका संक्रमण फैल सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सतेंद्र यादव एक दर्शक इसी बीच जुड़ गए हैं हमारे साथ। सतेंद्र जी क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, आपकी तहत देखिए बहुत अच्छा आप जो कार्यक्रम करा उसके धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि दोनों वैक्सीन मेरे लगती है और उसके बाद से क्या है, क्या तौर पर मैं आगे भी आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। आप सतेंद्र जी की आवाज को थोड़ा बढ़ा दीजिए। हेलो जी। हाँ, मैं बस ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि दो वैक्सीन आगे की ठीक है, कोई तकनीकी खामी है लगता है आपकी आवाज, आपका सवाल हम सही से सुन नहीं पाए। निशांत एक दर्शक हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं। निशांत जी आपका क्या सवाल है? निशांत जी अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए जी। मैं ये पूछ रहा था जी कि ये जो तीसरी लहर आने वाली है इससे बचने के लिए बच्चों का क्या उपाय करना है जी? बिल्कुल, आपने ये वाजिब सवाल उठाया है, हम इसका जवाब अपने डॉक्टर से लेंगे। जैसे जैसे ये चर्चा आगे बढ़ेगी मैं इस विषय पर भी बात करूंगी। बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है? बिल्कुल, उन सावधानियों पर हम बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, हम चूंकि तमाम परिस्थितियों पर लगातार बात कर रहे हैं और बहुत से ऐसे कॉलर्स देखिए लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, लोग अपनी बात रखने के लिए लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ते हैं। सतीश एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं। सतीश जी क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैंने एक कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा दी है। ठीक है, उसके बावजूद भी जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, मेरे को 3 दिन से हो रहा है। कितने समय पहले आपने वैक्सीन ली? मैंने करीब जुलाई के लास्ट वीक में सेकंड डोज ली थी। ठीक है ठीक है, उसके बाद से लगातार आपको ये दिक्कत आ रही है? मैंने आज कोरोना टेस्ट कराया, कोरोना नेगेटिव आया है। लेकिन चलिए इतना भयंकर इतना चाहता हूँ जी कि मेरी आंखों में पानी आता है, बार बार छींके आती है, खांसी जबरदस्त है, मलकम बनता है, क्या कारण है? कितने समय से आपको ये दिक्कत आ रही है? 3 दिन से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए डॉक्टर नरेश, लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है अब, चूंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस भी चल रहे हैं, डेंगू मलेरिया भी लोगों को हो रहा है और वायरल का भी ये सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि उनको कोरोना तो नहीं है। अब इन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया लेकिन वो नेगेटिव आया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सीजनल बीमारियाँ हैं और जो कोरोना है उसके साथ अब लोग कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। मैं सोनल जी आपको अगले 5 मिनट में इन सब से संबंधित सारा कंपाइल करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे नेबरिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं एनसीआर से, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर रहना चाहिए, जो कि मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग और एंड सैनिटेशन, इसको अभी जितना हो सके हमें अपनाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी नजदीक में जैसे फेस्टिवल जो हमारे आते हैं, जैसे दिवाली है, और उस पे भी बहुत बड़ी भीड़ ना हो, बहुत सामूहिक जो एकत्र होने वाले प्रोग्राम ना हो। तीसरी चीज जी, तीसरी चीज जैसे अभी एक कॉलर ने कहा था कि आज जैसे स्कूल से संबंधित, तो बच्चों के स्कूल ओपन होने से पहले मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जाइडस कैडिला की एक वैक्सीन अभी बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है, जो बच्चों के एज ग्रुप में लग सकती है, तो उसकी कम से कम एक डोज लगवा के बच्चों के स्कूल को ओपन किया जाए। चौथी बात आती है कि अब जैसे इस वैक्सीन को लेने के बाद कुछ लोगों को ये भ्रम है कि अब हमें बुखार या ये चीज नहीं होगा,
देखिए ये केवल प्रोटेक्शन कोविड वायरस के, कोरोना वायरस के अगेंस्ट है, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि किसी ने दोनों वैक्सीन लिए तो वो 100% सुरक्षित है जी। उसको भी सावधानी रखनी है, और इसके साथ इस मौसम में जो अन्यथा दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि वायरल फीवर आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आम खांसी जुकाम गला खराब होना, उसके लिए सावधानियां पब्लिक को वैसे इस सीजन के हिसाब से लेनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर यहाँ पर जिक्र किया है डॉक्टर नरेश, और ये हर आदमी के मन में सवाल उठ रहे हैं और इन पर इनका जवाब भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ईशा, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और देखिए, सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जो है वो बच्चों को लेकर है, जो स्कूल खोल दिए गए हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं और वो स्वस्थ भी रहें, उनकी पढ़ाई भी बाधित ना हो, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को, और साथ ही साथ कैसे बच्चों का ख्याल रखें, कुछ ज़रूरी टिप्स? देखिए मैम, अभी इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं दो बातों के साथ। एक तो वो ऑलरेडी डरे हुए हैं कोविड 19 के खतरे से, और दूसरा जो है आप जैसे कि जानते हैं डेंगू मलेरिया और वायरल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सिंस हम लोग जानते हैं, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मेरी जो एडवाइस है वो मुझे लगता नहीं है कि भारत में किसी को नहीं पता होगी, बट स्टिल आई वुड लाइक टू कन्वे माई थिंग्स टू यू। पहली बात, रेनी सीजन है, हम लोगों का इम्यून जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, हर ह्यूमन बींग के साथ ऐसा होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप लाइट फूड कंज्यूम कीजिए, आप इतना हल्का खाना खाइए जितना आप पचा सकते हैं। हर देखिए हर किसी की बॉडी का जो है डाइजेशन अलग होता है, तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप लाइट फूड कंज्यूम करें। भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में मस्टर्ड ऑयल का यूज होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन फैमिलीज जो हैं वो सरसों के तेल का बहुत यूज करती हैं। सरसों का तेल जो है वो पचाने में बहुत हैवी होता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप सरसों के तेल में सूखी सब्जियां बनाते हैं तो आप उसको छोड़ करके लाइट ऑयल्स का यूज करें। पत्तेदार सब्जियों का यूज ना करें, जो लीफी वेजेस हैं जैसे आपके पालक है, सरसों है, इस तरह की सब्जियों को बनाना आप घर में बंद कर दें। वाटरी जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया और आपका छाछ हो गया, लस्सी हो गई, इनका कंजम्पशन बंद कर दें। इससे क्या होता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, स्वेलिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं आपके रेनी वेदर के अंदर, और साथ ही साथ आपके इम्यून पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कोशिश कीजिए आप दही को प्रेफर करें ओवर द मिल्क, क्योंकि दही लेने से आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाता, तो वो आप थोड़ा सा बैड बैक्टीरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पानी लें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दें। बाकी आप समझते हैं वाटर लॉगिंग हर जगह पे है, कोशिश करिए आप घर का खाना खाइए, घर का बना हुआ, घर का पका हुआ खाना खाइए, बाहर का मत खाइए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं रेनी सीजन में हमारी पाचन शक्ति जो है वो कम हो जाती है, कोशिश कीजिए अगर आप स्पाइसी फूड खाने के आदी भी हैं तो भी आप हल्का खाना खाइए। ज्यादा स्पाइसी फूड को थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि आपकी ये वेदर, क्योंकि आप जानते हैं सितंबर एंड आ चुका है और अभी तक कॉन्टिन्यूसली रेनी वेदर आपका चल रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को मंथ के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो खाना खाने की आदत है। हमें लगता है अब तो अक्टूबर आने वाला है तो हम हैवी खाना स्टार्ट कर दें, पर ऐसा नहीं है, अभी भी रेनी सीजन चल रहा है। तो कोशिश कीजिए आप जितना हो सके बच्चों को भी लाइट फूड दें, खुद भी लाइट फूड का कंजम्पशन करें, तो इससे आप वायरल और इस तरह की बीमारियों से तो मुझे लगता है काफी हद तक अपने आप को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। देखिए डॉक्टर नरेश, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि डॉक्टर ईशा ने भी यहाँ जिक्र किया कि सीजन के अकॉर्डिंग अब चीज़ें नहीं घट रही हैं, बहुत नेचर के साथ हमने छेड़छाड़ कर दी, तो अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि सर्दी के मौसम में सर्दी उसी समय पर आएगी जिस समय पर हम सोचकर चलते थे, बारिश का सीज़न उसी समय ख़त्म हो जाएगा जब हम सोचकर चलते हैं, लेकिन अभी तक बारिश का सीज़न चल रहा है। तो ऐसे में लोगों को और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ देखिए जैसे ही वेदर कूल होता है तो लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लोग सैर सपाटा शुरू कर देते हैं, घूमने फिरने लग जाते हैं, ऐसे में ये जो लापरवाही है, ये जो लोगों की अनअवेयरनेस है, ये कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोनल जी, हमारे आसपास हम जिसमें रहते हैं एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, उसमें कभी भी ग्लोबली जैसे आजकल चेंज चल रहा है, चाहे हम पोल्यूशन की बात कहें, चाहे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कहें, और सीजन में भी बहुत सारे चेंजेस, जैसे अभी आपने स्वयं कहा कि इस सितंबर सीजन में भी अभी दो दो चार चार दिन स्पेल्स में रेन चल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में बहुत सारी चीजें, जैसे अभी डॉक्टर ईशा अभी बता रहे थे खान पीन से संबंधित,
और बाकी जो इन्होंने प्रिवेंशन बताए उन सबको जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। रही बात अगर हम बात करें कि इन्फेक्शन की डिजीज की, तो डेफिनेटली जैसे चेंज ऑफ सीजन होता है तो कुछ वायरल डिजीज एकदम से आउटबर्स्ट होते हैं, और अभी बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे और बड़ों के अंदर गला खराब, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चीजें बड़ी कॉमन आजकल ओपीडी में देखी जा रही है। बट लकीली ये कोविड का आउटब्रेक नहीं लगता, ये वायरल इन्फेक्शन है जो सीजनल है। तो इस दौरान भी मैं ये कहूंगा कि अपने आसपास के डॉक्टर से मिलते रहें अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि हमें ये भी टेकन फॉर गारंटेड नहीं लेना है कि ये सिर्फ वायरल डिजीज है। स्पोरेडिक केसेस कोविड के भी कहीं ना कहीं देखने में आ रहे हैं। पर रही बात कि डाइट्री और प्रिवेंशन चीजें डॉक्टर ईशा ने जो बताया उसके हिसाब से या अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलके जरूर उनका ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बिल्कुल, ये बहुत अहम बातें हैं और लोगों को अब और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बीमारी नहीं बहुत सारी बीमारियां अब घेरने वाली हैं, सीजनल बीमारियां भी आने वाली हैं। डॉक्टर ईशा, लोग खाने पीने को लेकर सजग तो रहते हैं लेकिन किस समय क्या खाना चाहिए, बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर बड़े कन्फ्यूज रहते हैं और यही चीज़ें कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। अब चूंकि रेनी सीजन भी चल रहा है और साथ ही साथ इन्फेक्शन का टाइम भी है, ऐसे में आप क्या कोई ऐसा डाइट चार्ट लोगों को बताना चाहेंगे जिससे कि उनको ईजी हो ये जानना कि हाँ इस समय पर ये फूड खाना उनके लिए ज़्यादा सेहतमंद रहेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जिनको लेकर लोग अवेयर नहीं होते और जिनकी जानकारी भी लोगों को नहीं होती और इसी के चलते बीमारियाँ घेर लेती हैं। देखिए, जो डाइट है वो हर व्यक्ति के दोषा के अकॉर्डिंग ही उसको दी जा सकती है। जैसे कि आपने बोला एक स्टैंडर्ड चार्ट जो है वो आप मैं एकदम से बता दूं और उसे सब फॉलो करने लग जाएं, तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको कुछ एडवाइजेस दूंगी जिसको सभी कॉमन फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हम डाइट देते हैं वो डाइट चार्ट हम देते हैं आपके बॉडी दोषा के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग, अगेन वेदर के अकॉर्डिंग, और आप किस समय पर क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो जैसे आपने टाइम की बात करी, दिन में किस टाइम पे क्या खाएं, ठीक है, उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? मेरे को कोविड तो नहीं आया जी, मैंने टेस्ट कराया था पहले और मैंने वैक्सीनेशन भी करा ली और मेरे 64-65 साल उम्र है मैडम। अच्छा, बीच में मेरे को एक दो दिन जब कोविड खूब तेजी से चल रहा था तो मेरे को एकदम थोड़ा सा सांस में से थोड़ी सी महसूस हुई थी और उसको चेक कराया, नेगेटिव आया। लेकिन मेरे को ना जैसे मैं चाय पीता हूँ या कोई भी गर्म था तो आलू साइड से थोड़ा सा ना मेरे को ऊपर गम सा आता रहता, मामूली सा यूं करने दी करता है, नाक से सांस खिंचोर करके थोड़ा सा। ठीक है, मैं डॉक्टर नरेश से इसका जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं डॉक्टर ईशा आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। डॉक्टर नरेश, आप जवाब देंगे, क्योंकि लोगों को मैं लगातार एक बात कहती हूँ कि फिजिकल तो कोरोना हुआ ही हुआ है, मेंटल कोरोना भी हुआ है, लोगों में एक वहम भी की स्थिति भी पैदा हुई है। अगर आप अच्छे खासे हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डर ऐसा है कि लोगों को सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ होता है, होता आया है और हो रहा है लोगों के साथ। जी, बहुत सही कहा आपने कि ये जो कोविड था ये फिजिकल नहीं, ये साइकोलॉजिकल भी था और दोनों के इफेक्ट अभी तक लोगों में नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात आपके सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कोविड-19 जो एक वायरस था, ये जो बॉडी में डिजीज करता है ये इन्फ्लेमेशन से करता है, मतलब सोजन के तरीके से ये डिजीज पैदा करता है। तो क्या है कि जब इससे रिकवरी होती है तो उस सोजन के बाद एक फाइब्रोसिस यानी सिकुड़न बॉडी के उन पार्ट में जिनके अंदर कोरोना ने इफेक्ट किया है वहां पे सिकुड़न के चेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि कोविड के बाद जैसे चेस्ट में जो उनको डिजीज हुआ था उसके बाद उनको सांस लेने में अभी भी हल्की हल्की प्रॉब्लम आ रही है या किसी को तेज चलने में सांस फूलता है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये कोरोना की जो नेचर है कि शुरू में ये सोजन करता है और बाद में रिकवरी के बाद ये जकड़न करता है। तो जो इनको जो इन्होंने बोला आपके दर्शक ने इनको गले में खिचखिच खराश ऐसा होता है, तो मैं इनको परामर्श ये देना चाहूंगा कि एक तो ये गागल्स कर सकते हैं प्लेन वाटर से या थोड़ा नमक डाल के या बीटाडीन से। अगर इससे भी इनको राहत नहीं मिलती तो अपने नजदीक के किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करें और गले का चेकअप एक बार करवा लें। पर कोविड की वजह से अगर ये पूरी तरह से उससे रिकवर हो गए तो अब इससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं।
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र जी को उनके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर ईशा, आपका रुख करना चाहूंगी, आप एक डाइट चार्ट की बात कर रही थी और डाइट चार्ट, चूंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि दोषा के अकॉर्डिंग आप चार्ट लोगों को सजेस्ट करती हैं, लेकिन कुछ एडवाइस जरूर हो सकती है लोगों के लिए। तो उसके लिए हम अगर अपना डे स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से, तो हमें अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स जो है वो जरूर इंक्लूड करने चाहिए। बिना फ्रूट्स के आपको जो है अपना दिन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। लोगों को लगता है कि जैसे कि आपने देखा होगा बड़े सारे कॉमन कोट्स जो है वो फेमस है कि आप किंग के जैसे ब्रेकफास्ट कीजिए, एंड मीडियोकर मैन की तरह लंच कीजिए। तो मुझे लगता है आपका ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना हो, पर वो हेल्दी होना चाहिए, मीन्स क्वालिटेटिव होना चाहिए। आपके ब्रेकफास्ट के अंदर आप वो आइटम जरूर डालें जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। देन लंच की बात आती है, तो लंच में आप जो है प्रोटीन का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो जिसे हम बोलते हैं अग्नि जो एक तत्व है, वो मैक्सिमम होता है दोपहर के टाइम पे। तो उस टाइम पे लंच में 2 बजे तक आप कोशिश कीजिए कि आपको पूरे दिन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी के लिए जो भी कंज्यूम करना है वो आप दोपहर के लंच में यानी 2 या 2:30 बजे तक कंज्यूम कर लीजिए। मीन्स आपका लंच अगर आप 2:30 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, जो भी उसका डाइजेशन प्रोसेस है वो उस टाइम पे, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर मैक्सिमम है, तो टिल 4 o'clock आपका खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन जैसे दालें हैं या कोई भी इस तरह की मटर, जैसे लोगों के एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहती है कि मटर जो है बहुत इजीली पचाया जा सकता है, पीस जिसे हम कहते हैं, उसको पचाना बहुत मुश्किल है। दालों को जो है आपको पाचन शक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज आप कोशिश कीजिए आप उसको अपने लंच में कंज्यूम कर लें ताकि आपको उसको डाइजेस्ट करना इजीली हो जाए। तो उसको आप अपने लंच में रख करके रात को कोशिश कीजिए कि आप हल्की सब्जियों का सेवन करें। जैसे कि अभी तो देखिए मैंने आपको बताया रेनी वेदर है, और रेनी वेदर में आपको मैंने बोला पत्तेदार सब्जियां ना खाइए, तो आपको क्या खाना है? तो रेनी सीजन इज लाइक किंग ऑफ गॉड। आप घिया का, तोरी का, करेले का, पत्तेदार सब्जियों में से एक चीज मैं वापस चुनके यहाँ लाना चाहूंगी, वो है मेथी। इन सबका आप यूज कीजिए, इसको आप अपने डिनर में कुक कर सकते हैं क्योंकि वो लाइट है, आपकी डाइजेस्टिव फायर उस टाइम पे सबसे ज्यादा लीस्ट जिसे हम कहते हैं सबसे कम होती है। तो आप रात को ऐसी हल्की सब्जियों का सेवन कीजिए। फ्रूट को आप कोशिश कीजिए 6 बजे के बाद कंज्यूम ना करें, पर अगर आपकी मजबूरी है तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो आपके वाटरमेलन या वाटरी जो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, जैसे आप देखते हैं कई लोगों को समझ नहीं रहती, खीरा जो है उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऑरेंज के अंदर, स्वीट लाइम के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, तो अगर आप उसको 6 बजे के बाद लेते हैं तो वाटर रिटेंशन जो है वो आपकी बॉडी में रहने का थोड़ा सा चांसेस है। तो टिल द टाइम यू आर स्लीपिंग आपकी बॉडी में वो वाटर रह जाएगा, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आप ये वाटर, अगर आप वाटरी थिंग्स का यूज कर रहे हैं, वाटरी फूड का यूज कर रहे हैं, तो आप बिफोर 4 कीजिए। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं जैसे कि आप पनीर खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, दालें जो आपकी पल्सेस हैं खा रहे हैं, चिकपीस खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, आप खाइए। इसको खाने के लिए आप दोपहर का टाइम चूज कीजिए और मॉर्निंग में आप फ्रूट का कंजम्पशन कीजिए। नट्स जरूर खाइए लेकिन ओवर सोक करने के बाद खाइए, ओवरनाइट आप नट्स को, ड्राई फ्रूट जो भी आप कंज्यूम करना चाहते हैं उसको आप सोक करके ओवरनाइट रखिए और मॉर्निंग में उसको कंज्यूम कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में वात दोष, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ड्राईनेस आ गई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कोरोना की वजह से ड्राइनेस का इश्यू जो है वो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा देखने में मिला है, तो कोशिश कीजिए आप ड्राई फ्रूट का और ऐसी कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई भी खाने की वस्तु जिसका नेचर जो है वो ड्राई है, शुष्क है, जैसे जौ है, इनको कंज्यूम ना करें या कोशिश कीजिए इनको कम से कम कंज्यूम करें। और जिन लोगों को डायबिटीज और बीपी, हाइपरटेंशन इस तरह की प्रॉब्लम्स है, वो रात को जो है हैवी फूड का कंजम्पशन ना करें, घी का कंजम्पशन ना करें, चपाती के ऊपर रात को घी लगा के ना खाएं। कोशिश कीजिए अगर आपकी बॉडी के अंदर कफ दोष ज्यादा है तो रात को दूध ना पिए, कोशिश कीजिए नहीं पिए, लेकिन अगर आपको हैबिट है, कई लोगों को लगता है कि मुझे डाइजेशन इश्यूज होते हैं, तो आप थोड़ा सा टर्मरिक उसमें डाल के और फिर उसके बाद आप मिलकर रात को कंजम्पशन कर सकते हैं। जी, ये कॉमन एडवाइस है मेरी तरफ। ठीक है, बहुत छोटी छोटी पर बहुत बड़ी बातें आपने बताई हैं और हमारे सभी दर्शक जरूर इसको सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो एक हेल्दी रूटीन अपना सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, जी अपना सवाल पूछिए आप। जी जी,
वो ऐसा था कि मैं हूँ 7 साल की उम्र मेरी, हेलो जी, मेरी 7 साल उम्र है, बाईपास सर्जरी करवा रखी है मैंने जी, तो मेरे लिए कुछ टिप्स वगैरह हो तो बताइए ना, जैसे कि मेरा वजन भी ज्यादा है कुछ। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर ईशा इसका जवाब दे रही हैं। हाँ जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप 60 इयर्स की हैं और आपने बाईपास सर्जरी करा रखी है, तो आपके लिए कुछ टिप्स ये रहेंगी कि आप खाने में हैवी जो भी आपके फूड आइटम्स हैं इनका यूज ना करें, घी का यूज आप नहीं करेंगे, आपके डॉक्टर ने भी आपको मना किया होगा। कोशिश कीजिए जितना आप लाइट प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, जो हैवी क्रीमी थिंग्स हैं उनका यूज ना करें, दही की बजाय आप छाछ का यूज करिए, लेकिन अभी रेनी वेदर में तो मैं सजेस्ट नहीं करती कि आपको छाछ पीनी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसकी बजाय हेलो जी जी डॉक्टर ईशा आप अपनी बात रखिए। हाँ तो अभी मैं ये आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप बहुत कम क्वांटिटी में दही लेकर के उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके वो ले सकते हैं, बट जैसे ही रेनी सीजन फिनिश हो आप उसके बाद दही को लेना बंद कर दें और छाछ ले सकते हैं आप उसकी जगह पे, और आप लाइट फूड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोशिश कीजिए आप घिया तोरी टिंडे इस तरह की पेठा जो सीताफल है इस तरह की सब्जियों का कंजम्पशन करें। चपाती जब आप खा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए चपाती को आप तवे के ऊपर सेक करके खाएं, वो गैस के ऊपर सेक करके आप ना खाएं। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, देखिए जो भी लोग ऐसी अगर आपके साथ कभी दिक्कत हुई है तो आप इन सभी बातों को फॉलो ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस यहाँ पर डॉक्टर ईशा दे रही हैं। डॉक्टर नरेश आपका मैं रुख करना चाहूँगी, देखिए नए नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तो वैक्सीनेशन पर हम लगातार जोर दे ही रहे हैं, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो नए वेरिएंट आ रहे हैं अभी जैसे 2 नए वेरिएंट आए हैं C.1.2 और साथ ही म्यू वेरिएंट जो है वो वेरिएंट की स्टडी ये कहती है कि वैक्सीनेशन जो है वो उस पर इफेक्टिव नहीं है, तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल ये आता है कि क्या वैक्सीनेशन की दोनों डोज के बाद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है अगर वेरिएंट अपना रूप बदलता है, तो ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है? ये सभी अभी डिजीज इटसेल्फ बहुत नया है, तो सभी ये जो इस तरह की हाइपोथेसिस हैं ये अभी डिस्कशन में है, खासकर हमारे कंट्री में ICMR की कोई अभी गाइडलाइन नहीं है। रही बात आपने जो वेरिएंट्स की कही, देखिए कुछ जो वैक्सीन हैं जैसे एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड जो हमारे यहाँ मोस्टली लगी है, उस वैक्सीन में भी जो बेस है वो स्पाइक प्रोटीन लिया गया है, और दूसरी जो वैक्सीन कोवैक्सीन हमारे यहाँ लगी है उस वैक्सीन में न केवल स्पाइक प्रोटीन बल्कि जेनेटिक मटेरियल भी लिया गया है। तो जहां तक ये है कि ये वेरियंट जरूर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो कर रहे हैं, पर ओवरऑल इम्यूनिटी की बात कहें तो अभी तक ये वैक्सीन काफी हद तक प्रभावी है। अगर किसी को इन्फेक्शन भी इनसे हुआ है तो वो इन्फेक्शन इतना गंभीर नहीं हुआ कि उसके लिए जैसे कि ICU की एडमिशन की जरूरत पड़े या ICU में जाना भी पड़ता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग अभी तक ऐसे बहुत कम इंसिडेंसेस हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हेलो जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं डॉक्टर नरेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए डिजीज नया है, स्टडी नहीं है, और उस हिसाब से लकीली आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वैक्सीन अगर पहले कभी भी किसी चीज के लिए अगर बनाई जाती थी तो उसके लिए सोनल जी 10 से 12 साल लगते थे, और ये एक रिकॉर्ड टाइम पे वैक्सीन अभी बनी है और उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके अभी आए हैं। तो इसलिए मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि वो इस तरह के भ्रम में ना पड़े कि 2 वैक्सीन के बाद भी अगर हो जाता है तो फायदा क्या है, या नए वेरिएंट आएंगे तो उसका स्ट्रेस लें। बिल्कुल आपको जो करना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। ठीक है डॉक्टर ईशा आपका रुख मैं करना चाहूंगी, देखिए COVID-19 के बाद बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आए, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद भी 2 से 3 महीने 4 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों को मेमोरी लॉस हो रहा है, सिर दर्द है, कंफ्यूजन है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कोविड के बाद लोगों को आड़े आ रही हैं, समझ में नहीं आ पा रहा है लोगों को कि कब वो दुरुस्त होंगे और पूरे तरीके से स्वस्थ होंगे, तो आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो किस तरह की एक्सरसाइज करें, क्या डाइट लें और कैसे अपना रूटीन उतना सही बनाएं कि वो जल्द से जल्द उन सारे कॉम्प्लिकेशन से निकल पाएं? देखिए
देखिए जैसे कि मैम आपने बताया लोगों को, जो मुझे सुनने में आए थे स्मेल एंड टेस्ट के इश्यूज जो है वो काफी ज्यादा, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल. या जैसे कि सबसे ज्यादा हमें सुनने में ये आया था कि लोगों को स्मेल और टेस्ट के इश्यूज जो है वो कई महीनों तक रहे. जैसे हाँ. किसी को एक बार कोरोना हो गया और उसके बाद काफी ठीक होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद भी उनको स्मेल के इश्यूज जो रहे कि अभी भी हमें स्मेल करने में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है. तो उसके लिए कुछ टिप्स थे मेरे पास जो मैं जनरली लोगों को बताती हूँ, पर्सनली बताती हूँ, मैं आज आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूंगी और उसके बाद मैं आपका सेकंड पॉइंट लेती हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको लगता है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद आपका टेस्ट अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक आइस क्यूब लीजिए, उस आइस क्यूब को कंज्यूम कीजिए, उसके बाद अपना मील खाइए. आप अपनी मील के अंदर स्वीटनर्स ऐड कर सकते हैं. कोशिश कीजिए आप अपने फूड का टेक्सचर चेंज कर लें, और खाना खाने से पहले या अपना फूड बनाने से पहले आप जो है फूड को बेक कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, आपके वो टेस्ट इश्यूज जो है वो थोड़े से मुझे लगता है रिजॉल्व हो जाएंगे. मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला ये एडवाइस देने के बाद. एंड जहां तक हम टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट के लिए आप दिन में 10 सेकंड के लिए 2 से 3 बार लेमन को स्मेल कर सकते हैं, पेपर को स्मेल कर सकते हैं, क्लोव्स को स्मेल कर सकते हैं. इस तरह की चीजों को स्मेल करने से 2 से 3 सेकंड के लिए आपको स्मेल करना, सॉरी 2 से 3 बार 10 सेकंड के लिए आपको स्मेल करना है. ये स्मेल करने से आपको ये आपके जो स्मेल के इश्यूज हैं वो बहुत जल्दी आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे. प्राणायाम जो है वो एक मुझे लगता है वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन का. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोविड जाने के बाद, या तो आपको हुआ हो कि चला गया या आपको नहीं हुआ, आपकी फैमिली में किसी को हुआ, तो मुझे लगता है मेडिटेशन से अच्छा जो है उपाय मुझे कोई नजर नहीं आता. आप कोशिश कीजिए आप दिन में 5 से 10 मिनट तक आप प्राणायाम जरूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए. जो लोगों को मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर रहा है वो ये कर रहा है. अभी होता क्या है, देखिए आप देखते हो हाइपरटेंशन का जो है बहुत कम एज में इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, बीपी इश्यूज जो है बहुत कम एज में देखने के लिए मिलते हैं. उसका रीजन अभी हाल फिलहाल देखने को मिलते हैं तो ये है कि अब रेनी सीजन है, आप नमक का कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि नमक से क्या है वाटर रिटेंशन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता ही है, और आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, ऊपर नीचे आते हैं, ज्यादा चलते हैं तो सांस फूलती है लोग, और मास्क जनरली लोग वियर करते हैं. अब लोगों को लगता है अरे इतनी जल्दी सांस फूल रही है ये तो कोविड की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है. आप कोशिश कीजिए आप 10 मिनट टाइम निकाल के आप प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपको इतना पीस मिलेगा. आप ओम का उच्चारण कीजिए, आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं. और अगर आप भी जाते हैं तो आप देखिए आपके खान पान में कुछ ऐसी चीज मौजूद होगी जिसको आपको सही करने की जरूरत है. आप रात को हैवी फूड खा के ये नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखिए डॉक्टर ईशा, बहुत से लोगों को फूड एलर्जी होती है लेकिन उनको नहीं पता होता कि किस फूड से उनको एलर्जी होती है, और फिर धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या बन जाती है. तो हाउ टू रिकग्नाइज दिस, मतलब इस पर आप थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे कि बहुत से लोगों को जो एलर्जी होती है उसकी क्या वजह हो सकती है, फूड में ऐसा कौन सा ऐसा आइटम हो सकता है जो परेशानी क्रिएट कर सकता है, और कैसे पहचाने उसको? देखिए अगर मैं फूड एलर्जीज की बात करूं तो अगर आप फूड एलर्जी टेस्ट कराओगे तो कुछ 500 समथिंग टाइप की आपको आइटम्स का टेस्ट कराना पड़ेगा. तो दिस इज नॉट यू नो इजी, और आई वुड रिकमेंड दिस एज वेल. पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है आपको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है या आप नहीं जानते, तो आप सपोज कीजिए आपने सुबह से लेकर रात तक जो कंज्यूम कीजिए थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए और उसको आप एक पेपर और पेन पे नोट डाउन कीजिए, आज मैंने इस समय पर ये खाया जी. आप अगर उसको नोट करेंगे और अगले दिन आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, खुश हैं. देखिए आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है खाने से, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, खाना खाने से आपको मेंटली बहुत ज्यादा पीस मिलता है. अगर आप खुश है ना तो कहीं ना कहीं ये रीजन है कि आपने पेट भर के खाना खाया और अच्छा खाना खाया. आप कभी भी नोटिस कीजिएगा आप ज्यादा ऑयली फूड खाएंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, आपका मूड इरिटेटेड रहेगा, आपको एंग्जायटी फील होगा, आप डिप्रेस फील करेंगे. अगर आप कोशिश करेंगे कि आपको वेट कम करना है, वेट कम करने के लिए आप अपने फूड में से लगातार आइटम्स को कट करते जाएंगे, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं, ऐसा नहीं है. आप मॉडरेट कीजिए अपने फूड को, खाने का कंजम्पशन तो कीजिए, एकदम से कट डाउन मत कीजिए. वो कट डाउन करते ही आप गुस्सा आने लग जाएगा, आप पूरा दिन ऐसा फील करेंगे कि यू विल फील सो नेगेटिव कि ऑन एवरी नोट आप नेगेटिव रिएक्ट करोगे. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आपको ये पहचानना है कि जिस फूड का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है. अगर आपको किसी दिन ऐसा लगता है कि नहीं आज कुछ तो गड़बड़ है, किसी ना किसी तरीके से मेरी हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है, आप वापस जाइए, एक चार्ट बनाइए और देखिए आपने क्या खाया था. अब
अगले दिन क्या कीजिए, सपोज आपने रात को कुछ ऐसी चीज खाई जो आपको लगता है कि शायद इससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतना तो हमारा आईक्यू लेवल जनरली ये होता ही है, तो आप उसको नेक्स्ट डे मत कंज्यूम कीजिए, बाकी का सेम चार्ट रिपीट कीजिए। सपोज आपने सुबह जो खाया, दोपहर में जो खाया, वो सेम खाइए, रात वाला मत खाइए, अगले दिन नोटिस कीजिए क्या अभी भी वो प्रॉब्लम आपको आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, ओके टिक क्लोज, अब आप उस चीज को अपनी डाइट में कम करिए धीरे धीरे धीरे, एकदम से छोड़िए मत उसको, अल्टरनेट लीजिए, या जैसे आप वीक में एक बार ले रहे थे उसको 15 दिन में एक बार लीजिए। अदरवाइज अगर आप छोड़ सकते हैं तो कोशिश कीजिए, जिससे देखो आपके पास आपके शरीर से बड़ी एसेट तो कोई नहीं है, आप अपनी कार को मेंटेन करने के लिए इतने एफर्ट करते हो, अपने घर को मेंटेन के लिए इतने एफर्ट करते हो, तो शरीर को मेंटेन करने के लिए इतना तो कर सकते हो। जिसको आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको अपने शरीर के अंदर मत भेजिए, तो छोड़ दीजिए अगर छोड़ सकते हैं, तो नहीं छोड़ सकते तो कोशिश कीजिए धीरे 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 उसका कंजम्पशन आप कम कर दें। इस तरीके से आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप जो शरीर जो आपके शरीर को हानि पहुंचा रही है जो चीज। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि क्या उनके शरीर में दिक्कत है। क्योंकि एक नॉर्मल जो रूटीन, देखिए एक हेल्दी रूटीन तो यही है कि आप टाइम टाइम पर अपना चेकअप करवाते रहें, अपने नॉर्मल टेस्ट करवाते रहें, ताकि आपके शरीर के सिचुएशन का पता लग सके। लेकिन लोग अनअवेयर हैं इस चीज़ को लेकर, वो नहीं समझ पाते कि वो कितना ज़रूरी है, और फिर एकदम से चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं। हमने देखा है कि अभी कोविड काल में भी लोग बिल्कुल ठीक हैं, वो रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से उनकी डेथ की खबर मिल जाती है। तो ये कैसे हो जाता है अचानक से, क्योंकि अभी हार्ट के इश्यूज भी बहुत आपने जैसे कि जिक्र किया, और हार्ट अटैक के इश्यूज भी देखिए बहुत आंकड़े लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते लोग, लेकिन अचानक से बहुत डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल, मुझे जो दो तीन इश्यूज बहुत ज्यादा पेशेंट्स जो मुझे आके जो भी जितने भी लोग आके बताते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, एक तो मुझे फीमेल रिलेटेड इश्यूज इतने ज्यादा सुनने में आते हैं, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। और आप जैसे आपने बताया अचानक से पता लगा किसी को हार्ट अटैक का इश्यू हो गया या इस तरीके से हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गया, देखिए मैं आपको फूड से रिलेटेड ही जानकारी दे सकती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पता सबको है पर स्टिल हम लोग फॉलो नहीं करते। अगर आप रात को सो रहे हैं और सोने से पहले देखिए, या तो आप 10 मिनट की वॉक करके सोइए, हम सबको पता है हमें अपना डिनर जो है वो 7:30 से पहले फिनिश कर लेना है, कोशिश कीजिए आप 7:30 से पहले, अगर देखिए आपकी बॉडी है, आप खाना खाते ही सपोज आप एक देखिए ना, आपने एक मशीन के अंदर कुछ डाला, उसको डालने के बाद में आपने उस मशीन को जो है उसकी पोजीशन चेंज करके एक जगह पे रख दिया, अब आपको क्या लगता है वो चीज आगे पीछे मूव करेगी? आपका शरीर भी तो वही है, आपको अपनी आपने जो कंज्यूम किया वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए आपका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप खाना खाते ही सो जाएंगे, खाना खाने के बाद आप 10 मिनट की वॉक नहीं कर सकते, देखिए मुझे लगता है अगर आप अपनी बॉडी के लिए इतना भी नहीं कर सकते ना, इतने एफर्ट भी नहीं कर सकते, तो आप ये बॉडी डिजर्व नहीं करते। और अगर आपको लगता है कि आप ये बॉडी डिजर्व करते हो, तो प्लीज अपनी बॉडी के लिए इतने एफर्ट कीजिए। आपको बोला जाता है आप 7:30 से पहले फूड कंज्यूम करो, वो आपके लिए है, आप 7:30 से पहले फूड कंज्यूम किया, आपको लगता है कि हम सोने का टाइम लेट है, तो आप रात को मिल्क कंज्यूम करके सोइए ना, किसने मना किया? बहुत ज्यादा भूख लगती है, एक एप्पल खा लीजिए, और कोशिश कीजिए ये रोटी सब्जी चपाती ये सब आप 7:30 से पहले, वैसे हमारे आयुर्वेदा में तो कहते हैं आप सूरज ढलने के बाद कुछ खाइए ही नहीं, अगर आप सूरज ढलने से पहले सब कुछ खा लेंगे आपका सिस्टम एकदम, देखिए आप जो बड़ी एज के लोग हैं जो बिल्कुल अपना खान पान टाइमली करते हैं, उनकी एज 100+ तक चली जाती है, और जो आजकल के बच्चे हैं जो पिज्जा खाके और जाके सो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई वो चीज जो है हम डाइजेस्ट कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी इम्यूनिटी या इतनी स्ट्रेंथ हमारी बॉडी के अंदर है कि हमने एकदम से खाया और खाके हमारी बॉडी इतनी तो नहीं है कि आपने जाते ही उसको 5-10 मिनट में आप कंज्यूम कर लोगे। प्लस मुझे लगता है थोड़ा सा आप अपने खान पान की तरफ ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए, वो आजकल क्या है ना कि आपका ना आईज का मेंटल का स्ट्रेस इतना ज्यादा है, आप रात को 1 बजे तक सोने बिल्कुल जब तक यू आर नॉट स्लीपिंग यू आर यूजिंग योर फोन, तो आई थिंक आप थोड़ा सा आईज क्लोज करके 5-10 मिनट तक अपना ओम चैंटिंग कीजिए, आप 10 मिनट का वॉक कीजिए, उसके बाद यू गो ऑन योर बेड, आपको भी लाइट फील होगा, आपकी बॉडी को भी लाइट फील होगा, और मुझे लगता है ये इश्यूज जो क्योंकि पहले देखने में नहीं मिलते थे क्योंकि लोगों का रूटीन यही था, बिल्कुल अभी देखने में मिल रहे हैं वेस्टर्न रूटीन के साथ, तो मुझे लगता है दिस इज द मेन इश्यू, एक बार आप चेंज करके देखिए काफी बड़ा चेंज आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। डॉक्टर ईशा आपने बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा लगा आपसे, खुद मुझे भी बहुत
कुछ जानने को मिला और जरूर हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वो एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं तो कैसे स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं और कैसे लंबी जिंदगी जी सकते हैं, ये लोगों को सोचने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कोरोना काल है, कोरोना के बाद बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हमारे सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा रही हैं और बहुत कुछ हमारे शरीर में ऐसा घटा जो शायद हमने इससे पहले अनुभव नहीं किया था। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो फिर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाना बहुत ज़रूरी है और तभी आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ हेलो डॉक्टर में आज इतना ही, नमस्कार।